खाली एक दो। जय हिंद दोस्तों, आज है एंसर से कैंप का डे 4 और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चार्ली कंपनी को जाना है फायरिंग के लिए और मैं प्लैटिनम सीनियर हूँ तो मुझे तो काफी मजा आएगा क्योंकि चार्ली में जितने जेडी जेडब्ल्यू सभी के साथ फायरिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि वो सब हमसे जूनियर है और वो फायरिंग करेंगे, हम उनको देखेंगे सीखेंगे और काफी मजा आएगा। तो एक्चुअली ये शुरुआत होता है डे 4 हमारा मॉर्निंग 5 AM से, जहाँ पे सब फॉल इन होते हैं और सभी को बताया जाता है कि किस कंपनी का क्या आज का एक्टिविटी प्लान है। तो हमारा फायर के लिए था, बट उससे पहले हमको PT करनी थी, तो करीब 6:30 बजे तक हमने PT की। उसके बाद सभी का एनरोलमेंट किया, काउंटरिंग हुई और हम सभी निकल पड़े 1 by 1 एक डिसिप्लिन लाइन में विथ PI स्टाफ और कुछ सीनियर्स के साथ, जिसमें मैं भी एक सीनियर था। और हम सब निकल पड़े कॉल्पिन कॉन्वेंट स्कूल से करीब 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी एक शूटिंग रेंज बनाई गई थी। वहाँ का एरिया काफ़ी खाली था, वहाँ पे पहाड़ी जैसा इलाका था, तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे सबसे पहले हमने शुरुआत की टेंट पिचिंग की। टेंट पिच किया, उसके बाद हम वहाँ पे फायरिंग के लिए 1 by 1 कैडेट्स को भेजते गए। और हाँ, वहाँ पे हमारे पास जो .22 राइफल की बुलेट रहती है उसके लिए भी काफ़ी सारे काउंटिंग वगैरह की, वो सब की कि कितने राउंड फायर आए। करीब करीब 700 से 800 के करीब राउंड फायर हुए। हम कितने कैडेट्स गए थे अप्रोक्स, चार्ली कंपनी में 100-150 कैडेट्स थे। ओके, उसके अलावा हम भी बचे हुए थे, कुछ सीनियर हमने भी फायर किया क्योंकि हमारा फायर उनके साथ ही होना था। तो उसमें मेरा जो था 5 में से 4 निशाने लगे और उसमें से कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद बात की जाए तो हम सभी ने फायर किया और ये तो हमारी कंपनी का था, बट क्या हुआ कि जो नेक्स्ट डे जो कंपनी गई थी उनके साथ क्या हुआ वो आप देखिए। मतलब ये जो भी कंपनी थी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इन्होंने फायरिंग भले इनकी कैंसिल हो गई हो पानी आने की वजह से, बट इन्होंने जो मस्ती की PSW के साथ जो स्कॉट्स लगाए, जो भी पानी में रगड़ा दिया, वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला था और काफ़ी फनी और एक एडवेंचर एक्सपीरियंस था। रियल फीलिंग तो यहाँ पे आ रही थी, इवन फायरिंग से ज़्यादा मज़ा इसमें इनको वीडियो देखने में ही मज़ा आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की फीलिंग आ रही होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है जब भी हम कैंप में जाते हैं, अगर पानी का सीज़न है तो पानी में इस तरह की सिचुएशन रहती है, रगड़ा मिलता है और काफ़ी मज़ा भी आता है। SD हो चाहे SW हो, JD हो, JW सभी को एक समान लगते हैं और काफ़ी एंजॉय किया। फायरिंग से हम करीब लौटे 1 बजे के आसपास, तब तक लंच हो चुका था और आपको बाकी का तो पता चल ही गया होगा कि 1 से फिर 4-5 बजे तक तो हमारा रेस्ट होता है टी तक। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद सभी ने रेस्ट किया और उसके बाद हम सभी ने क्या हुआ कि जो कल्चर प्रोग्राम था उसके लिए डांस के लिए पार्टिसिपेट किया था। तो हम में से करीब 15 से ज़्यादा कैडेट्स ने हमारे ही कॉलेज के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, ग्रुप डांस के लिए। तो उस सभी की प्रिपरेशन आप देखिए। और बहुत ही जल्द ग्रुप डांस का भी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है, तो आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट शायद इसी वीडियो के बाद हमारा ग्रुप डांस का वीडियो आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हमारा जो नाइट का प्लान था वो सभी डिनर हुआ, वो सारी प्लान हुआ और ये सारी चीज़ें खत्म हुई। ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं फ़ोन लेके नहीं गया था, बाकी जो भी चीज़ें थी सारी हो गई अच्छे से। और कुल मिला के काफ़ी मज़ेदार दिन था क्योंकि फायरिंग की थी, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आता फायर करने में। और .22 राइफल से पता नहीं चलता कि कब फायर करती। एक सही पाई ने मैं बताऊँ तो अगर टेक्निक पता है तो 4 से मेरे 5 निशाने भी लग सकते हैं, पर जो पहला निशाना था वो मिस हो गया, वो उसमें जो हमारा एम बॉक्स था उसमें लगा ही नहीं। बाकी ठीक है, काफ़ी मज़ा आया फायर करने में। 2 निशाने तो मेरे बिल्कुल पास लगे थे, 8 बन रहा था, जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला था कि मैंने सही लगाया। ओके दोस्तों, तो आई होप आज का ये जो ब्लॉग था काफ़ी शॉर्ट था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे और काफ़ी मज़ा आया। आई होप दोस्तों अगर आपको भी मौका मिलेगा कैंप का तो आप उसे मिस नहीं करोगे और करना भी मत। ओके, तो अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डे की ओर, डे 5 की ओर। तो उसका ब्लॉग आपको जल्दी देखने को मिलेगा, बाकी के ब्लॉग्स देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर क्लिक करके ब्लॉग को देख लीजिए। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।